नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
गाइज, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन
पार्ट टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया
रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द
द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन, लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर, द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन, लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर, द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन, लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर, द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स,
कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन, लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू, द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर, द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन, लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू, द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर, द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन, लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू, द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर, द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस
848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि
मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक
फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। It is the fifth and final installment in the The assembled cast includes Billy Buke, Peter Franklin. So guys, इस movie के कुछ और के point देख लेते हैं। Running time 115 minutes. Country United States. Language English. Budget 136 million. Box office 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्विलाइट सागा
ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली
ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन, लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन, लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन, लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस
848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि
मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। It is the fifth and final installment in the The assembled cast includes Billy Buke, Peter Franklin. So guys, इस movie के कुछ और की point देख लेते हैं। Running time 115 minutes. Country United States. Language English. Budget 136 million. Box office 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक
फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाई स्टीफन मेयर द सीक्वल टू द ट्विलाइट सागा
ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डैन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डैन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली
ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन, लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू, द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर, द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन, लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू, द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर, द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन, लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू, द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर, द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 136 मिलियन, बॉक्स ऑफिस
848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश, रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाई विल कॉर्डन। इट वॉज रिटन बाई मेलिसिया रोसेनबर्ग, बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाई स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक, पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि
मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। It is the fifth and final installment in the The assembled cast includes Billy Beuk, Peter Franklin. So guys, इस movie के कुछ और की point देख लेते हैं। Running time 115 minutes. Country United States. Language English. Budget 136 million. Box office 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज़ अ अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइज इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। पार्ट टू इज अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय विल कॉर्डन। इट वाज रिटन बाय मेलिसिया रोसेनबर्ग बेस्ड ऑन द 2008 नोवेल ब्रेकिंग डाउन बाय स्टीफन मेयर। द सीक्वल टू द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट वन। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन द असेंबल कास्ट इंक्लूड्स बिली ब्यूक पीटर फ्रैंकलिन। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रनिंग टाइम 115 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 136 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 848.6 मिलियन। लैंग्वेज इंग्लिश। रिलीज डेट ये सब आप देख सकते हैं। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।